तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज यहाँ पे आप लोग देखिए कि हमने सी पीवीसी पाइप को 9 टुकड़ा यहाँ पे कटिंग किया है, जो कि 5.5 इंची बाई 5.5 इंची का हमने 9 टुकड़ा कटिंग किया है। इस टुकड़े में यहाँ पे आप लोग देखिए कि इस टुकड़े में 1.25 इंची का ये पाइप है और सी पीवीसी पाइप है। हमने 9 पीस टुकड़ा का कटिंग किया है, जो कि यहाँ दोस्तों यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे 9 पीस टुकड़ा रखा हुआ है, जो कि 2 पीस और हमें कटिंग करना है। यहाँ पे सी पीवीसी चाबी है, जो कि यहाँ पे बॉल वाल्व से हमने मिक्सर बनाया है। जी हाँ दोस्तों, कॉन्सील मिक्सर को हटा के हमने बॉल वाल्व मिक्सर बनाया है, जो कि काफी बेहतरीन और काफी सुंदर देखने में लगेगा। वीडियो पे आप लोग रुकिए और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्रॉस टी ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, 4 मुंह वाला क्रॉस टी यहाँ पे आपको ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस टी को आपको बाहर में कॉन्सील मिक्सर हम बना के आपको दिखाते हैं। बाहर में सबसे पहले कॉन्सील वाल मिक्सर में यहाँ पे पहले क्रॉस टी को 5.5 इंची का टुकड़ा जो आपने कटिंग किया था, उसको क्रॉस टी में यहाँ पे लगा देना है एक एक करके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमने सुलेशन का यूज नहीं किया है, क्योंकि सुलेशन का यूज कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर टोटल फिटिंग बर्बाद हो जाएगा और आप लोगों को फिर हम आगे इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट तो इसमें है, लेकिन आपको इसी में हम सारा जानकारी अभी यहीं पर आपको दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले एल्बो को दोनों साइड में लगा लीजिए क्रॉस टी के, उसके बाद फिर 5.5 इंच के टुकड़े को यहाँ पे क्रॉस टी वाले बीच वाले भाग में इसको लगा लीजिए। उसके बाद एक एक करके आपको यहाँ पे तीनों में आपको यहाँ पे 5.5 इंच का जो 1.25 इंची पाइप CPVC है, उसका टुकड़ा यहाँ पे आपको लगा लेना है एक एक करके। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहीं पर आपको देखने से देखिए यहाँ पे कितना सुंदर ये कॉन्सील मिक्सर बनके तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों लोग कहते हैं, काफी प्लम्बर से हमने सुना है कि ये गरीबों का बाथरूम बनता है। जी नहीं दोस्तों, ये गरीबों का बाथरूम नहीं बनता है। इसमें आपको खर्च कम से कम कॉन्सील मिक्सर बनाने में 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्च पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डाइवेटर, लेकिन फायदा इससे ही है दोस्तों कि यहाँ पे आपको ठंडा गर्म और डायरेक्ट का भी मोटर से भी पानी चलाते हैं, वो भी पानी यहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी बेहतरीन और काफी नॉलेजफुल है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे पहले क्रॉस टी लगाने के बाद यहाँ पे टुकड़ा में तीनों में आपको ब्रश टी लगा देना है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम जो टी लगा रहे हैं इसका नाम ब्रश टी है। ब्रश टी को आपको तीनों जगह पे लगा देना है, क्योंकि आपको तीन तरह के पानी चाहिए। एक डायरेक्ट नल का पानी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे गीजर का पानी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे ठंडा पानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो तीनों के यहाँ पे लगा देने के बाद कितना बेहतरीन और कितना सुंदर अभी से ही देखने में लग रहा है, जो कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी बेहतरीन है। उसके बाद फिर 5.5 इंच का टुकड़ा को नीचे में ब्रश टी वाले भाग में आपको नीचे से लगा देना है। उसके बाद एक एक करके यहाँ पे देखिए, एक एक करके दोस्तों यहाँ पे आप लोग लगा दीजिए। लगाने के बाद यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों इसमें आपको काफ़ी पैसा इसमें खर्च नहीं होगा, हालांकि मेहनत लगेगा, डाइवेटर से सस्ता पड़ेगा, लेकिन तीनों का मजा आप लोग उठा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तीनों चाबी को फिर से नीचे में लगा देना है। जी हाँ दोस्तों, तीनों चाबी को यहाँ से एक एक करके सबसे पहले यहाँ पे लगा देना है, तीनों चाबी को एक एक करके। देखिए कितना बेहतरीन और कितना सुंदर अभी से ही लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग कॉन्सील का भी यूज कर सकते हैं, हमने आपको चाबी से अभी इसका मिक्सर बना के दिखाया है, कॉन्सील मिक्सर, क्योंकि ये मेरे पास अभी चाबी है, इसी चाबी से हम बना के दिखाएं। आप लोग कॉन्सील से बनाइएगा तो ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर भी अच्छा ही लगेगा। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर कितना बेहतरीन, यहाँ पे आपको सबसे पहले डायरेक्ट मोटर का पानी मिलेगा, उसके बाद ठंडा पानी मिलेगा, उसके बाद गर्म गीजर का पानी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तीनों पानी आपको एक ही बाथरूम में मिलेगा। तो हमने ये वीडियो जो बनाया है दोस्तों, काफी नॉलेज और काफी नॉलेज एकत्रित करके बनाया है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें भी हमारा काफ़ी पैसे खर्च हो चुके हैं, जो कि आप लोगों को दिखाना जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास यहाँ पे चाबी नहीं है 1.5 इंच का, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं, अभी हमने कॉन्सील का उपयोग किया है। जी हाँ दोस्तों, इस टुकड़े में से 2 इंच का हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया, और मेरे पास एक कॉन्सील बचा हुआ था, यहाँ पे मेरा चाबी नहीं था, इसलिए हम चाबी से आपको बना के नहीं दिखाएं। 2 इंच का टुकड़ा आपको कटिंग कर लेना है, 2 इंच टुकड़े को कटिंग करके यहाँ पे आप कॉन्सील से भी बना सकते हैं और चाबी से भी बना सकते हैं, दोनों तरह से आप बना सकते हैं बाथरूम के लिए। और ये काफ़ी बेहतरीन आप लोगों के लिए ये वीडियो है दोस्तों, जो कि यहाँ पे देखिए हमने इस कॉन्सील को यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए दोस्तों, एक खोल यहाँ पे सबसे बेहतरीन है, यहाँ पे आप लोग देखिए कितना अच्छा और कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में, जो कि आप लोगों के लिए ये हम दीवार में अभी ठोक के दिखा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ग्रुप के अंदर जाएगा तो ये कितना बेटर लगेगा देखने में और कितना अच्छा लगेगा ये देखने में। एक नल भी हमने कस के आप लोगों को दिखाया है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 3 नल उपयोग होगा। सबसे पहले यहाँ पे गर्म पानी, ठंडा पानी और टैंकी का ठंडा पानी यहाँ से मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप लोग चेंजिंग अपने अनुसार से कर सकते हो, क्योंकि हम अपना अनुसार से बनाए हैं। यहाँ पे देखिए, तीनों में आपको गर्म ठंडा पानी और डायरेक्ट मोटर का पानी भी मिलेगा, और वो भी बेहतरीन तरीके से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, और इतना अच्छा से ये आप लोगों के लिए वीडियो था। जी हाँ दोस्तों, मिक्सर बना के हमने आप लोगों को दिखाया है, जो कि काफी बेहतरीन यहाँ पे है। जी हाँ दोस्तों, सभी
सभी मिक्सर का आप लोग चाबी यहाँ से बंद करके भी यहाँ पे एक नल को, एक मिक्सर को यूज करना है एक नल को, तो यहाँ से आप लोग एक चाबी खोलिएगा और एक नल में पानी यहाँ से आएगा। जी हाँ दोस्तों, और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी नॉलेजफुल था और काफी बेहतरीन था वीडियो। दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना अच्छा और काफी कितना बेहतरीन लग रहा है, और ये दीवार के अंदर जाएगा तो और बेहतरीन लगेगा यहाँ पे वीडियो, और काफी नॉलेजफुल ये वीडियो आप लोगों के लिए था। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।